हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। फुटबॉल एक इतना पॉपुलर गेम है और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लोग जैसे देखते हैं फैंस के टर्म्स में, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग के बेसिस पे भी और फैन फॉलोइंग के बेसिस पे भी फुटबॉल है। उससे बड़ा गेम कोई वर्ल्ड में नहीं है। पांच ऐसे अंडररेटेड गोलकीपर्स की मैं बात करना चाहूंगा जिनकी कामयाबी बहुत ज्यादा है बट उनको हमेशा अंडररेट रखा जाता है। पहले नंबर पे जिस कीपर की बात करूंगा वो है केलर नवाज। केलर नवाज बेसिकली एक हर बिग क्लब के टारगेट थे, जो उन्होंने हीरोइक्स परफॉर्म किया था 2014 की वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद इन्होंने अपनी जगह सिक्योर की लेवांटे में समर ऑफ 2014, बट जिस तरीके से उन्होंने हीरोइक कमाल का प्रदर्शन किया था वर्ल्ड कप 2014 में, तो उसके बाद से हर बड़े क्लब के टारगेट बन चुके थे। यानी हर बड़े क्लब की तमन्ना थी कि केलर नवाज को एज ए गोलकीपर अपनी टीम में रखा जाए। दूसरे नंबर पर जिस खिलाड़ी का जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा वो है डेंजल सुभाषिक। बहुत ही अंडररेटेड गोलकीपर रहे हैं कंटेम्प्रेरी फुटबॉल की अगर मैं आपसे बात करूं तो। और उनकी जो प्रावेस थी, मतलब उनकी वजह से क्रूशिया ने मतलब पहली टीम बनी जिसने फाइनल खेला वर्ल्ड कप का, लेकिन उनको बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है। जो उनकी गोल सेविंग एबिलिटी थी उसने क्रूशिया के लिए कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उस चीज़ को उतना रिकॉग्नाइज किया नहीं गया। और क्रूशिया वर्ल्ड कप के फाइनल भी खेल गया लेकिन डेंजल सुभाषिक को उसका कोई क्रेडिट दिया नहीं गया। तीसरे नंबर पे जो गोलकीपर है जिसका मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा, उनका नाम है कैस्पर्स केमिकल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके लेजेंडरी फादर ने उनका नाम बेसिकली जोड़कर देखा जाता था और बहुत टफ था उनकी बूट्स को फिलअप कर पाना। जो उनके फादर थे उनका काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे तो उनके बूट्स को फिल कर पाना बहुत टफ था। लेकिन स्कैमाइकल की अगर मैं बात करूं, आई थिंक उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके फादर जो थे पीटर स्कैमाइकल की अगर मैं आपको बात करूं तो अच्छा प्रदर्शन था। और कैस्पर स्कैमाइकल ने अपने पिता का नाम ज़रूर रोशन किया है। इंग्लैंड के लिए उन्होंने अपना करियर शुरू किया था मैनचेस्टर सिटी से और वो लोन पे थे मोस्ट ऑफ द टाइम। और स्कैमाइकल बहुत एडमिट थे कि वो लेस्टर सिटी FC स्क्वाड के लिए खेलना चाहते हैं और उनका फेरी टेल EPL सीजन था 2015-16 की बात करूं। लेकिन उसके बाद भी कैस्पर स्कैमाइकल को कभी भी उतना रीट किया नहीं जाता एज अ कीपर की अगर एतबार से मैं आपको बताऊं। चौथे नंबर पे जो गोलकीपर है नाम है जॉर्डन पिकफोर्ड। 24 साल की एज में वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट लीग के मेंबर थे और इंग्लैंड को ये सेमीफाइनल तक ले गए थे वर्ल्ड कप के। इंग्लैंड की जो बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी वर्ल्ड कप में आफ्टर डिकेट्स, उसमें ये मेंबर थे, लेकिन उनको उस चीज़ का कभी क्रेडिट नहीं मिला। पांचवें नंबर पे जो गोलकीपर जिसकी प्लेसिंग हमने करी है उनका नाम है समीर हंडानोविक। हंडानोविक की अगर मैं बात करूँ तो 111 स्पेयर्स उन्होंने बनाए थे, 15 क्लीन शीट्स रखी थी, उसके बाद 36 अम्यूजमेंट थे इंटर के लिए 2015-16 की एतबार से अगर मैं आपको बात करूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज जनरली व्यूड एज अ स्टैंड आउट अमंगस्ट अदर एडमिनिस्ट्रेटर इन इटली। उनका जो नाम था वंस इन अ वाइल एवरीवेयर फ्लाइज आउट वाइल टेकिंग आउट द बेस्ट इन द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ गोलकीपिंग, लेकिन कभी भी समीर हंडानोविक को उतना क्रेडिट मिला नहीं एज अ गोलकीपर जो मिला चाहिए था। तो ये कुछ थे पांच कीपर्स जिनका मैंने आपसे जिक्र करा, जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कमाल की है लेकिन उनको उतना क्रेडिट मिला नहीं और उनको हमेशा अंडररेटेड रखा गया फुटबॉल में। उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। और इनके बारे में एक बड़ा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे स्पोर्ट्स क्रेजी के आर्टिकल्स को आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लिंक मैं ऐसे भी आपको बता देता हूँ विच इज www.sportscrazy.com। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घरों से तभी निकले जब कोई जरूरी सामान आपको लेना हो। अदरवाइज प्लीज स्टे इनसाइड, स्टे होम एंड स्टे सेफ।